सावधान, अगर आप भी फ्री वाईफाई और पब्लिक प्लेस में मोबाइल चार्जिंग का प्रयोग करते हैं तो आपका डेटा चोरी हो सकता है, शातिर कर सकते हैं आपका बैंक खाता खाली। शातिर ठग इस्तेमाल कर रहे हैं नए तरीके का आधुनिक सॉफ्टवेयर। आइए आपको बताते हैं कैसे होता है इसका उपयोग और हैकर से बचने के क्या है तरीके। इन दिनों साइबर ठग जूस चेकिंग तकनीक अपनाकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर ठग यूएसबी केबल, वाईफाई और सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोबाइल लैपटॉप का डेटा कॉपी कर रहे हैं। अमूमन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और मॉल जैसी जगहों पर फ्री वाईफाई और चार्जिंग पोर्ट की सुविधा रहती है। इसी का फायदा उठाकर सॉफ्टवेयर और सिस्टम को हैक कर हैकर्स उनका डेटा चोरी कर बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। राजधानी रायपुर की साइबर सेल में भी अब तक 4 शिकायतें आ चुकी हैं। हालांकि फिलहाल केबल डाटा चोरी होने के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, साइबर ठगी से बचने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप किसी के भी झांसे में ना आए। यदि कोई आपको बोलता है कि आपकी लॉटरी लग गई है या आपके साथ कोई ओटीपी शेयर करने के लिए बोलता है, तो कोई भी अपनी पर्सनल जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपनी कोई पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करेंगे, यदि किसी व्यक्ति के बताए प्रलोभन पर आप यदि उसके झांसे का शिकार नहीं होंगे, तो आप साइबर ठगी से। जूस चेकिंग से बचने का तरीका। पब्लिक प्लेस पर मौजूद चार्जिंग स्टेशनों और फ्री वाईफाई का उपयोग करने से बचें। चार्ज करने के लिए अपने पर्सनल केबल का उपयोग करें। डिवाइस को चार्ज करने से पहले उसे स्विच ऑफ कर दें। ऐप डाउनलोड के बाद बिना पढ़े टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री ना करें। सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई और नेटवर्क का उपयोग करने वाले लोगों को शातिर ठगों द्वारा जूस जैकिंग तकनीक के माध्यम से अब अपना शिकार बनाया जा रहा है। उनके फोन को हैक कर अकाउंट से राशि गायब की जा रही है, साथ ही साथ डेटा चोरी होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इन शातिरों तक पहुंचना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस ने अपने विशेष साइबर एक्सपर्ट्स को इन्हें दबोचने के लिए लगाया है। आने वाले समय में कई बड़े हैकर्स पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 रायपुर।